जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा तहसीलदार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शासन एवं प्रशासन से तहसीलदार तबादला करने की मांग की गई है। शिकोहाबाद तहसील के अधिवक्ताओं एवं तहसीलदार के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। तहसीलदार अमित कुमार पर कार्य न करने का आरोप लगाते हुए बार के सदस्य उनके तबादले की मांग कर रहे हैं। अदालत किसी भी अदालत को ऑर्डर करने का अधिकार है। अगर दूसरी पार्टी को सुना नहीं गया है तो एक्स पार्टी ऑर्डर होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए 30 दिन का समय होता है। अगर 30 दिन का समय के भीतर अगर कोई व्यक्ति जो है रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लेके आया है तो यूपीआरसी की नियम 56 में व्यवस्था है कि उसे अपना अधिकार अपने हित की बात कहने का उसे अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन तहसीलदार साहब यूपीआरसी में जो नियम 56 के प्रावधान है उनको बलाए ताक पर रह के उस रेस्टोरेशन एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं। इससे वकीलों के सामने बड़ी एक समस्या है वकालत करने की कि जब कानून के नुमाइंदे जो जिनके ऊपर जो है कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है वो कानून को नहीं मानेंगे और हमारे ऊपर जिम्मेदारी हम कानून का इंटरप्रिटेशन करें। अगर कानून को नहीं माना जाएगा ऐसी स्थिति में हम लोग वकालत करने में बड़े हिचकते हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि तहसीलदार साहब के को हमें काम नहीं करेंगे और हमने आज रेवेन्यू बोर्ड को एसडीएम सुखाबाद के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि इनका या तो इसी जिले में किसी दूसरी तहसील में ट्रांसफर कर दी जाए, अन्यथा इनका जो है इस जिले से बाहर किसी अन्य जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए, उसके बाद ही वकील काम करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है, यही हमने ज्ञापन दिया है और हम आपसे भी निवेदन करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमारी बात को सुना और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी बात को आप ऊपर तक अपने मीडिया के माध्यम से अपने अखबार और चैनल के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय द्वारका सर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।